नमस्कार, मैनपुरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानिया ठाकुर। मैनपुरी स्थित ईशा नदी पुल के पास सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। एडीएम बी राम ने कहा कि सभी को वाहन चलाते समय खुद के साथ दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की रिपोर्ट। मैनपुरी के ईशा नदी पुल पर बुधवार को 30वां सड़क सुरक्षा दिवस मनाया गया, जिसमें एडीएम बी राम ने कहा सभी को वाहन चलाते समय खुद के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। इस दौरान पुलिस ने ईशा नदी पुल पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। नियम पालन न करने वाले लोगों को एनसीसी कैंडिडेट के नियम के पालन करने की बात कही गई। उन्होंने बाइक पर सवार को फूल देकर हेलमेट लगाने की अपील की। इसके बाद नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर हुआ, जिसमें आंखों की जांच की गई। एआरटीओ राजेश कर्दम ने कहा कि चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, यातायात संकेत को पालन करें, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, घायल को चिकित्सालय तक पहुंचाने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, उसे गवाह बनाया जाएगा। इस मौके पर एसडीएम अशोक कुमार, सीओ राकेश पांडे, प्रवर्तन अधिकारी डॉक्टर कौशलेंद्र, प्रताप प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह सरोही सहित आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। आने के लिए लगा रहे हैं, इसको कोई सबको दीजिए, जो नहीं माने अभी हम आधे घंटे में सबका चालान करना शुरू कर देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं कि हम चालान करें। रॉन्ग साइड क्यों चल रहा है? पकड़िए मैडम, राइट साइड वाले को।